हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी मॉडर्न फिजिक्स का आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। टेंशन ना लेना, सिर्फ पांच चीज़ें इसमें देख करके। सारा नोट्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना, नोट्स मिल जाएगा, लेक्चर मिल जाएगा। बहुत अच्छे से इस नोट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, सेमी कंडक्टर से लेकर पूरा मॉडर्न फिजिक्स है इसमें। पूरा ये इलेक्ट्रॉन फोटोन इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फोटोन हो गया, जो जो के मैक्स इक्वल टू एच म्यू माइनस ये आने वाला है 2021 में, लिख लो अभी। और एटॉमिक फिजिक्स हो गया, यहाँ से आप लोगों का रेशियो ऑफ फर्स्ट मेंबर एंड सीरीज आएगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, नॉर्मल फार्मूला ये होता है, लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन, और ये JEE Mains 2018 में पूछा था, लिमिट करके पूछेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। फिर आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स भी नोट्स अपलोड हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स का भी, सेमी कंडक्टर का भी वीडियो डला हुआ है, नोट्स भी डल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाना है या आई बटन पे क्लिक करना, सारा लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा, पूरा मॉडर्न फिजिक्स। 6 to 7 क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न फिजिक्स से, ये आपको छोड़ना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही आसान रहेंगे, सिर्फ फॉर्मूला आएगा, इजीली सॉल्व कर लोगे आप लोग, समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि नंबर भर भर के आपको देगा फिजिक्स में। 6 to 7 क्वेश्चन आएंगे, 3 आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। अब क्या क्या आ सकता है, मेरा ऐसा मानना है 2021 में वेवलेंथ पूछ सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फार्मूला से पूछ सकते हैं, अब ये क्या होता है सारा नोट्स में देख लेना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज से पूछ सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी और रेडियो एक्टिविटी कैसे पूछ सकते हैं, और यहाँ से 3 क्वेश्चन 3 और 1 1 क्वेश्चन, ये हो गया 3 + 4 = 7, मिनिमम जाएगा तो 6 क्वेश्चन जाएगा, 6 से 5, ये मिनिमम 6 मिनिमम, 5 उतना कम नहीं जाएगा। 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक से पूछेंगे जैसा अभी पैटर्न चल रहा है। सो थैंक्स इन्वेस्टर फॉर योर एग्जाम, इस बार कर लेना है सिलेक्शन, इस बार कंफर्म होना ही होना, इस बार नहीं होगा तो फिर यार प्रॉब्लम में आ जाओगे। इतना टाइम किसी को नहीं मिला जितना आप लोगों को मिला, पिछले ईयर भी मिला था, सितंबर में हुआ था एग्ज़ाम, और इस साल भी मिल रहा है, और पिछले साल तो बार बार पोस्टपोन हो रहा था, तो चलो वो चीज़ें अलग थी, बट अभी आप लोगों को बता दिया गया है 4 मंथ पहले कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। सो इस बार कर लो, बहुत आसान है एग्ज़ाम, बड़ा आसान है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव है, इसलिए थोड़ा सा रैंक वगैरह कारण डिफ़िकल्ट लगता है, कॉलेज नहीं मिलता, बाकी एग्ज़ाम पूछोगे तो बहुत आसान है। MV थोड़ी 650 आ जाता है, और 620 नॉर्मल कट ऑफ जाता है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।